उसके बाद क्या हुआ, वेल यू नीड टू ट्रस्ट मी, स्टॉक ने बोला कि तुम्हें मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा। फिश ने बोला वी डू, टेल अस योर प्लान, हाँ चलो तुम पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन तुम हमें अपना प्लान तो बताओ। स्टॉक, आई कुड कैरी ईच वन ऑफ यू वन बाय वन अक्रॉस द हिल टू द अदर पॉन्ड, कि मैं आपको एक एक करके पहाड़ी के दूसरे तरफ आपको मैं ले जाऊंगा, है ना, और दूसरे तालाब में छोड़ दूंगा, इसलिए आप फिर सेफ हो जाओगे। द फिश वर लिटिल वर्ड, अब वो उनको परेशान हो गई, दुखी हो गई, सोचने, अब उनको बहुत सोचने लगी क्या होगा, बहुत दुखी हो गई कि अब क्या होगा। दे न्यू दैट द स्टॉक कुड ईट देम अप बट दे वॉन्टेड टू सेव देयर लाइफ, अब उनको ये भी डर लग रहा था कि ये स्टॉक जो है, सारस जो हमें रास्ते में ही खा जाएगा, लेकिन उनको अपनी जान भी बचानी थी, दे वॉन्ट टू सेव देयर लाइफ, देयर फोर दे एग्रीड, जब उनको एग्रीड यानी मान गए, उसको स्वीकार कर लिया। सो देयर वॉज अ विटी क्रैब, विटी यानी बुद्धिमान, क्लेवर, इंटेलिजेंट, एक क्रैब थी उसमें, क्रैब एक फिश का ही काइंड होता है, हु लिव्ड इन द पॉन्ड बट ही डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक, वो पॉन्ड में तो रहती थी लेकिन उसको स्टॉक के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्रैब ने कहा लिसन फिश, द स्टॉक मे नॉट बी टेलिंग द ट्रूथ, लेट अस स्टे हियर एंड सी वेदर द पॉन्ड एक्चुअली स्टार्ट ड्राइंग अप, कि मुझे तो स्टॉक के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें यहीं रहना चाहिए, एंड वी विल वेट इफ द पॉन्ड एक्चुअली स्टार्ट ड्राइंग अप, कि क्या पता पॉन्ड ऐसी बारिश ना हो, पॉन्ड्स ना बारिश हो जाए और पॉन्ड ना सूखे, सो हमें यहीं वेट करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, फिश वी डू नॉट विश टू डाई, द स्टॉक इज ट्राइंग टू हेल्प अस, इफ यू डू नॉट विश टू कम यू कैन स्टे हेयर, अब फिश को तो अपनी जान बचानी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, तो उसने कहा कि बेटर क्रैब, आप यू वॉन्ट टू स्टे हेयर यू स्टे हेयर अलोन, अरे अकेले यहाँ रह जाओ, लेकिन हम तो स्टॉक के साथ जाएंगे, वी विल गो विद स्टॉक। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स द स्टॉक बिगेन टू कैरी द फिश अक्रॉस द माउंटेन, माउंटेन के उस, माउंटेन यानी पहाड़ी, पहाड़ी के उस तरफ उनको ले जाता रहा। सून द पॉन्ड वॉज एम्प्टी ऑफ ऑल द फिश, अब जल्दी क्या हुआ, वो एक एक करके ले जा रहा था उन्हें सारस, अब वो पॉन्ड खाली हो गया, सिर्फ उसमें कौन रह गया, क्रैब। स्टॉक टू द क्रैब, योर फ्रेंड्स आर ऑल वेटिंग ऑन द अदर साइड टूडे, आई टू शैल लीव दिस प्लेस टूडे, डू लेट मी टेक योर अक्रॉस द पॉन्ड, कहते कि सारे फिश तो तुम्हारे जितने फ्रेंड्स थे सब चले गए हैं, अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ अपने फ्रेंड्स के पास। द क्रैब डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक, क्रैब को स्टॉक के पास बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, बट सीइंग नो अदर वे, उसको और कोई वे ही नहीं दिखा, रास्ता ही नहीं दिखा, ही एग्रीड, मान गया वो। ओके बट डू बी केयरफुल सेट द क्रैब, क्रैब ने कहा केयरफुल रहना जरा मुझे ले जाते हुए। वाइल दे वर फ्लाइंग द क्रैब स्पॉटेड फिश बोन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द हिल, जब वो फ्लाई कर रहा था उसको क्रैब को लेके स्टॉक, तो उसने देखा, क्रैब ने स्पॉटेड यानी देखा, फिश बोन जो फिश की थी, हड्डी जो थी उनकी, बोन्स थी वो सारी हिल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर फैली हुई थी। ही सून रियलाइज दैट द ग्रीडी स्टॉक हैड किल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, उसको पता चल गया कि ग्रीडी यानी लालची स्टॉक ने मेरी सारी फ्रेंड्स को सबको खा लिया है, मार दिया है। ही क्विकली डग हिज पिंसर्स, उसने अपने जो पिंसर्स थे, पिंसर्स हम कहते हैं जो फ्रंट क्लॉज होते हैं ना क्रैब के, दांत जो होते हैं फ्रंट वाले जो उसके जबड़े होते हैं, उसने उसको क्या किया, उससे उसकी गर्दन को काटना शुरू कर दिया, इन टू द स्टॉक्स नेक एंड डिड नॉट लेट गो टिल द स्टॉक स्टार्टेड ब्लीडिंग, जब तक उसको काटता रहा जब तक स्टॉक के खून नहीं निकल आया, ब्लीडिंग शुरू, ब्लीडिंग यानी खून निकलना। क्रैब सो दिस इज हाउ यू रिपेड द ट्रस्ट माई फ्रेंड्स प्लेस्ड इन यू, ये तुमने मेरे फ्रेंड्स के ट्रस्ट का ये जवाब दिया है, आपके ऊपर कितना विश्वास करती थी वो, नाउ यू टू शैल सफ़र, अब तुम्हें भी सफ़र करना होगा, तुम भी ऐसे ही रहोगे। द क्रूअल स्टॉक डाइड, जो क्रूअल निर्दयी था, क्रूअल था, निर्दयी था स्टॉक सारस, वो भी मर गया। एंड द विटी क्रैब लिव टू टेल दिस टेल टू अदर्स, और क्रैब जो थी वो जिंदा रही और सबको ये कहानी बताती रही कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और ग्रीडी का भी देखो अंत कैसा हुआ, क्रैब भी मर गया आखिर में, वो स्टॉक भी मर गया आखिर में, तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए हर बात में। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।